नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल। गौर से देखो, अभी रिसेंटली आई वाज ट्रैवलिंग ऑन रोड भोपाल टू गुना, एंड यहाँ से ब्यौरा इज अ स्टेट हाईवे और उसके बाद आगरा बॉम्बे रोड। रोड कंडीशन इन जनरल पूरे में मुझे अच्छी लगी। आजकल रोड्स काफ़ी अच्छी हो गई हैं, पर इत्तेफाक से यहाँ से और ब्यौरा तक, विच इज़ अबाउट 90 किलोमीटर्स, दो दो एक्सीडेंट रोड पर मैंने कोई ऐसा ट्रक का या कार का किसी का एक्सीडेंट नहीं देखा। पर जब मैं आगरा बॉम्बे रोड पर टर्न हुआ, फॉर अबाउट 100 किलोमीटर स्ट्रेच मेरी जर्नी थी उस पर, उस दौरान मैंने 4 एक्सीडेंट देखे ट्रक्स के। एंड इट वॉज नॉट अ हेड ऑन कोलिजन ट्रक्स का, बट ओवर टर्निंग ऑफ ट्रक्स। सो दैट मेड मी थिंकिंग कि ऐसा कैसे हुआ, एंड देवर ऑल वेरी फ्रेश एक्सीडेंट्स, क्योंकि उसमें से लोग सामान निकाल रहे थे, जो हेल्प आई थी तो वो ट्रांसफ़र कर रहे थे इनटू अदर ट्रक, तो इसलिए दोज एक्सीडेंट्स मस्ट बी विद इन अ कपल ऑफ आवर्स। तो इसका मतलब उस स्ट्रेच पर पिछले 2-3 घंटे में ये 4 एक्सीडेंट हुए थे। दिस वॉज अराउंड 1 o'clock इन द आफ्टरनून, सो इट वॉज नॉट अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट और समथिंग, मिड डे की बात है ये। और दे आर 4-lane रोड्स हैं, तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि कोई हेड ऑन कोलिजन का कोई चांस भी नहीं है। तो या तो ये है कि ड्राइवर फॉल्ट की ही गोज टू स्लीप ऑन द व्हील्स एंड उसमें एक्सीडेंट होता है, या ओवरटेकिंग में होता है कि आप दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं सामने से। पर यहाँ तो वो भी चक्कर नहीं है, बिकॉज दो टू लेन्स आर सेपरेट, अप एंड डाउन लेन्स अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये है कि देयर समथिंग एल्स। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग, ये स्केच देखिए आप जो मैं साथ में दे रहा हूँ। जनरली जो हम लोग रोड बनाते हैं वो बीच में उठी हुई होती है और दोनों साइड में स्लोपिंग होती है। आई थिंक द आइडिया इज़ कि जो पानी बीच में ना भरे कभी बरसात में और पानी बह जाए, सो विच मेक सेंस। प्रॉब्लम कब होती है, जब ये रोड टर्न होती है, टर्न के ऊपर यू हैव टू गिव अ बैंकिंग। तो मैंने देखा, फिर उसके बाद मैंने नोटिस किया कई जगह पर बैंकिंग थी और कई जगह पर बैंकिंग नहीं थी, क्योंकि रोड जब ऐसे जा रही है रोड, तो वही रोड ऐसे टर्न हो जाती है। दैट मीन्स सेम एक साइड जो है टर्न जो हो रही है उसकी बैंकिंग सही है क्योंकि इट इज़ स्लोपिंग इन साइड, पर जो साइड दूसरी साइड की बैंकिंग बिल्कुल उल्टी है। तो इसमें भी ट्रक्स का बैलेंस लूज हो सकता है। सो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न आई कुड इमेजिन। दूसरा, मैंने देखा कि ज़्यादातर ट्रक्स की आजकल दे आर अबाउट 18 व्हीलर्स और 16 व्हीलर्स से कम तो आजकल ट्रक्स चलते ही नहीं हैं। सो दे हैव अ लार्ज कैपेसिटी टू हॉल, पर इफ़ द गुड्स आर लाइटर तो वो ऊपर तक भर देते हैं। तो मैंने देखा कई ट्रक्स की बॉडी वॉज वेरी टॉल, एंड जब अगर बैंकिंग नहीं हो या अगर रोड की बैंकिंग ज़्यादा हो, दिस ट्रक्स कैन टॉपल, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ऊंची चली जाती है। सो आई थिंक दीज आर टू प्रॉब्लम्स विच शुड बी एड्रेस्ड बाय द रोड डिपार्टमेंट। आई एम सेंडिंग अ कॉपी अ लिंक ऑफ दिस वीडियो टू गडकरी जी ऑल्सो, दैट ही शुड गेट दिस इन्वेस्टिगेटेड, कि रोड्स की बैंकिंग सही हो, और दूसरा ये ट्रक्स की जो बॉडी ओवरलोडिंग हो, क्योंकि मैंने कई ट्रक्स देखे जो पलटे हुए थे, दे वर वेरी टॉल बॉडी ट्रक्स। तो ये दो पॉइंट्स मुझे लगा, इट इज़ अनयूजल इन अ स्ट्रेच ऑफ 100 किलोमीटर्स विद इन 2 hours यू सी 4 एक्सीडेंट्स एंड ऑल ऑफ देम ओवर टर्निंग टॉपलिंग नॉट हेड ऑन। पर अभी भी देखा जाए तो हमारी सड़कों पर ये जो जानवर घूमते रहते हैं, दे रिमेन स्टिल द बिगेस्ट इशू, इसको रिजॉल्व करना चाहिए। आपने भी ट्रैवल किया होगा तो नोटिस किया होगा, आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन, आपका क्या विचार है इस बारे में। आई थॉट आई विल शेयर दिस एक्सपीरियंस जो मैंने अभी रिसेंटली देखा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन रोड सेफ्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।